त्वरित में अगले आधे घंटे आपको दिखाएंगे हर राज्य के समाचार। कश्मीर से तमिलनाडु तक, महाराष्ट्र गुजरात से पूर्वोत्तर तक, हर राज्य के समाचारों के लिए देखिए त्वरित राज्य। देश के चार राज्यों में आंधी तूफान का कहर, 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से आया तूफान, 47 लोगों की मौत। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में आंधी तूफान ने ठाया कहर। यूपी में जानमाल का सबसे ज्यादा नुकसान। आंधी तूफान ने यूपी में सबसे ज्यादा कहर बरपाया है, जहां 24 लोगों की मौत हो गई। कासगंज में 6, बुलंदशहर जिले में 3, बरेली में 5, गाजियाबाद में 2 लोगों की मौत। इसके अलावा इटावा, अलीगढ़, कन्नौज, हापुड़, नोएडा और संभल में एक एक व्यक्ति की मौत। यूपी के बरेली में तूफान से 5 लोगों की मौत। तूफान से बरेली जिले के शीशगढ़ के बंजरिया गांव में निर्माणाधीन मस्जिद की मीनार गिर गई, जिसमें 45 साल की महिला और 3 साल की एक बच्ची की मौत हो गई। जिले के ही बेनीपुर चौधरी गांव में दीवार गिरने से युवक की मौत हुई, जबकि बरेली शहर में मिशन अस्पताल के पास तेज आंधी से नाले में गिरने से 65 साल के डेविस नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई। यूपी के बुलंदशहर में दिखा आंधी तूफान का कहर। दिल्ली कानपुर हाईवे पर 3 कैंटरों के साथ सड़क पर खड़े कई वाहन पलटे, कैंटरों के नीचे कई कारें और मोटरसाइकिल दब गई। हादसे से NH 91 पर अफरा तफरी मच गई। तूफान के चलते यूपी के शामली में रजपुरा के पास चाऊपुर गांव के 150 कच्चे मकानों में लगी भीषण आग, 50 से ज्यादा पशु जले। आग इतनी विकराल थी कि फायर ब्रिगेड की दर्जन भर गाड़ियों को आग पर काबू पाने में कई घंटे लग गए। आंधी तूफान और आग के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है। दिल्ली में आंधी तूफान से कई जगह पेड़ उखड़ गए। प्रेस क्लब के बाहर और आंध्रा भवन के पीछे पेड़ गिरने से रास्ता काफी समय तक जाम रहा। पिछले 2 हफ्तों में आंधी तूफान से देशभर में 139 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हैं। आंधी तूफान से यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। दिल्ली NCR में कल शाम आई तबाही की आंधी। दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के कई शहरों में देखते ही देखते अंधेरा छा गया। हर ओर सिर्फ और सिर्फ धूल का गुबार दिख रहा था। दिल्ली में तूफान की चपेट में आने से 2 लोगों की जान चली गई। पंचकुया रोड इलाके में तूफान ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया। दिल्ली के जैतपुर इलाके में तूफान के चलते ईंट और सीमेंट की शीट गिरने से 19 साल के युवक की मौत हो गई। गाजियाबाद में आंधी ने लाल कुआं इलाके में एक कार को अपनी चपेट में ले लिया। आंधी की वजह से कार पर पेड़ गिर गया, जिसमें दबकर 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं साहिबाबाद इलाके में भी निर्माणाधीन दीवार गिरने से 2 बच्चियां घायल हो गई। नोएडा के पास नोएडा एक्सटेंशन में घूमने के लिए बाइक से घर से निकले माँ बेटा तूफान की चपेट में आ गए। बड़े पोल पर लगा बोर्ड गिर गया, जिसमें जेबुनिशा और उसका बेटा इकराम बाइक सहित दब गए। माँ जेबुनिशा की मौके पर मौत हो गई। कल की आंधी तूफान की तबाही और आज के अलर्ट को देखते हुए यूपी के अमरोहा में स्कूल बंद रहेंगे। कासगंज में 8वीं तक के स्कूलों को बंद रखा गया है। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के DM से आंधी से हुए नुकसान की रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली NCR में आंधी की वजह से मेट्रो भी प्रभावित रही। लेडी हार्डिंग अस्पताल के सामने एक बड़ा नीम का पेड़ मेट्रो ट्रैक पर गिर गया था, जिसकी वजह से इंद्रप्रस्थ और करोल बाग के बीच मेट्रो सेवा रुकी, जबकि नोएडा में तूफान की वजह से भारी तबाही देखने के लिए मिली। तेज आंधी का असर विमान सेवा पर भी पड़ा। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कल 70 विमानों का रास्ता बदलना पड़ा। उड़ानें डायवर्ट होने और रद्द होने से मुसाफिरों को घंटों तक हवाई अड्डे पर ही फंसे रहना पड़ा। आज भी दिल्ली यूपी में आप सावधान रहिए। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए जो चेतावनी जारी की है, उसमें खासतौर पर दिल्ली, हरियाणा और यूपी के शहरों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। सबसे ज्यादा खतरा यूपी के 26 जिलों पर है, जहां फिर 70 से 100 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी आ सकती है। आज जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, ओडिशा में भी तूफान का अलर्ट है। यहां 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आ सकता है।
सीसीटीवी विवाद में आज केजरीवाल और उनके मंत्री एलजी के घर तक निकालेंगे पैदल मार्च। सीसीटीवी लगाने में देरी के आरोप पर कल केजरीवाल ने कहा था, बीजेपी को जनता जूते मारेगी। दिल्ली में सीसीटीवी लगाने से जुड़ी फाइल को रोकने के मुद्दे पर सीएम अरविंद केजरीवाल कल आग बबूला हो गए। दिल्ली के बवाना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने एलजी से लेकर बीजेपी तक को औकात बता देने की चेतावनी दे दी। बीजेपी ने केजरीवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि ये केजरीवाल की संस्कृति है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हिंसा को काबू करने में घायल एसीपी गोवर्धन कोलकर की हालत नाजुक बनी हुई है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में शुक्रवार देर रात दो समुदायों के बीच हुई झड़प के बाद अब माहौल शांतिपूर्ण है। घटना के बाद पूरे शहर में धारा 144 लागू है। औरंगाबाद की हिंसा में दो लोगों की मौत हुई थी। हिमाचल प्रदेश के कसौली गोलीकांड में घायल लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी गुलाब सिंह की भी मौत हो गई है। कल रात पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज के दौरान गुलाब सिंह ने दम तोड़ दिया। पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश के कसौली जिले में अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई के दौरान महिला अफसर शैलवाला को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पश्चिम बंगाल में आज हो रहे हैं पंचायत चुनाव। टीएमसी बीजेपी लेफ्ट कार्यकर्ताओं के बीच दक्षिण 24 परगना समेत चार जिलों से हिंसा की खबर है। हिंसक झड़प की खबरों के बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के बाल सुधार गृह से 15 बाल कैदी फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक ये सभी 13 से 17 साल के हैं। कल दोपहर ये सैदाबाद के बाल सुधार गृह से दीवार फांदकर फरार हो गए थे। हम आपको बता दें, कर्नाटक में चुनाव के नतीजे कल आएंगे। एबीपी न्यूज और सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी सरकार बना सकती है। बीजेपी को 110 सीटें मिलने का अनुमान है। हालांकि बहुमत के लिए किसी भी पार्टी को 113 सीटें चाहिए। कल एबीपी न्यूज पर दिन भर देखिए कर्नाटक विधानसभा चुनाव के सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर जिले में पत्थल गाड़ी नाम से चल रहे आदिवासियों के आंदोलन पर राजनीति गरमाने लगी है। जशपुर में पिछले दिनों आदिवासियों ने पत्थल गाड़ी आंदोलन शुरू किया था, जिसके विरोध में अब बीजेपी सद्भावना यात्रा निकाल रही है। अंबिकापुर के पूर्व महापौर प्रबोध मिंज का कहना है कि जशपुर से शुरू हुए पत्थल गाड़ी की वजह से समाज में टकराव की स्थिति बन रही है, इसीलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। राजस्थान के कोटा में विकास कार्यों की समीक्षा के लिए हुई बैठक में भिड़ गए बीजेपी के दो विधायक। कोटा नॉर्थ के विधायक प्रहलाद गुंजल ने कहा कि रामगंज मंडी की विधायक चंद्रकांता को जमकर अपशब्द उन्होंने कहे। गुंजल ने चंद्रकांता को दो कौड़ी के विधायक तक कह डाला। जब दो विधायक भिड़े तब राजस्थान के कृषि मंत्री और कोटा जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रभुलाल सैनी भी वहां मौजूद थे। यूपी के वाराणसी में मोबाइल चोरी के आरोप में एक शख्स को बिजली के खंभे से बांधकर बेरहमी से उसकी पिटाई की गई। यहां तक कि छोटे बच्चों को भी उसकी पिटाई के लिए उकसाया गया। वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटी है पुलिस। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए पंजाब के गुरदासपुर जिले के रहने वाले मनदीप कुमार का कल उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। मनदीप कुमार सीआरपीएफ की 182वीं बटालियन में तैनात थे। सीआरपीएफ बटालियन के जवानों ने इस मौके पर अपने साथी को अंतिम सलामी दी। उत्तर भारत में आंधी और तूफान का कहर है तो दक्षिण भारत में गर्मी कहर ढा रही है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में तपती गर्मी से राहत के लिए कई स्वयंसेवी संगठन लोगों को छाछ और जूस बांट रहे हैं। और अब आपको बड़े शहरों के मौसम का हाल दे देते हैं। शुरुआत दिल्ली से करते हैं जहां आज भी तेज आंधी का अलर्ट है। सावधान रहें आप, आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और बारिश की भी संभावना है। तापमान 38 डिग्री तक जा सकता है। और आइए बात मुंबई की करते हैं जहां पर कमोबेश मौसम कल की तरह ही रहने वाला है। बादल छाए रह सकते हैं, तापमान 35 डिग्री तक जा सकता है। अहमदाबाद में गर्मी का प्रकोप जारी है, आसमान साफ रहेगा, धूप रहेगी, तापमान 42 डिग्री तक जा सकता है। और आइए बात अब भोपाल की कर लेते हैं। कल के मुकाबले यहां पर गर्मी बढ़ सकती है, बादल छाए रह सकते हैं, तापमान 43 डिग्री तक जा सकता है, यानी कि गर्मी रह सकती है भोपाल। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।